अपने प्रसंग में आता है वार्ता जी में। वो तानसेन ने सुन गाय की प्रस्तुत की श्री गोसाई जी के आगे। वे श्री गोसाई जी ने आप जानते हैं कि सोना मोहर दी, कौड़ी दी। तो तानसेन कहने लगा, अरे महाराज, आपने मेरी कला की कदर की, ये मैं समझता हूँ। ये 100 सोना मोहर आपने मुझे दी, तो ये कौड़ी क्यों? कि भैया ये तेरी गाय की ये सब ठीक है, लेकिन जा प्रकार से ये 100 सोना मोहर के आगे कौड़ी की कोई कीमत नहीं है। याई प्रकार से तेरी गाय की, तेरे संगीत हमारे सामने आकी कोई कीमत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो राग को, संगीत को प्रयोग तो राजा को प्रसन्न करवे के लिए करे है। तो आपको का मतलब? जो कुछ गुण हमें भगवत कृपा से मिले, कला क्षेत्र में हो, पाक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, तो वह गुण जो भगवान में लग जाए तो वो श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, नहीं तो वो गुण का कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे महामती सूत जी को देखकर कथा मृत रसास्वाद कुशल, शौनक जी कैसे हैं? कथा मृत का रसास्वादन करने में कुशल, कुशल किसको कहेंगे? जिसके अंदर 3 चीजें हों उसे कुशल कहा जाता है। एक मन की एकाग्रता, वह कुशल है। दूसरा हृदय की निर्मलता, और तीसरा अनुकूल मनन, जो सुना फिर उसका मनन करें। मन से कथा सुने दात सुनहूं सादर मन लाई, कथा को मन से श्रवण करना है। आप कहेंगे सुनने का काम तो कानों का है, तो मन से कैसे? कल हमने इस विषय में थोड़ी चर्चा की थी, आज वापस थोड़ा सा उस पे दृष्टिगोचर करें। कर्म की, मन की, इस विषय में थोड़ी बात हुई थी। सुनहु कथा सादर मन लाई, मन से सुनो। देखिए आंखों का काम देखना, जिह्वा का काम बोलना, कानों का काम सुनना, हाथों को काम क्रिया कर्म करना, स्पर्श आदि करना, पैरों का काम चलना, मन का काम स्मरण करना, चिंतन करना, तो मन से सुना कैसे जाए? प्रत्येक इंद्रियों के सेपरेट उनके अलग अलग काम हैं। मुंह से हम देख नहीं सकते, कान से हम खा नहीं सकते, हर एक इंद्रियों के अलग अलग कार्य हैं। लेकिन इन सब इंद्रियों में से मन एक ऐसी इंद्रिय है जो सब इंद्रियों का काम करता है। ध्यान दीजिएगा, मन एक ऐसी इंद्रिय है जो सब इंद्रियों का काम करे। जब हमारी इंद्रियां कर्म करती हों और उस समय हमारा जो मन उस कर्म में ना हो, जैसे हम यहां पे कथा में बैठे हुए, आप कथा सुन रहे हो पर आपका मन यहां नहीं है, तो फिर क्या सुना? कुछ समझ में नहीं आया। पूरी जगन्नाथ जी में हम जानते हैं यात्रा निकलती है, रथ यात्रा, हजारों लाखों लोग पहुंचते हैं। एक बार के बाद परमहंस भी वहां पे पहुंचे। परमहंस ने एक व्यक्ति को पूछा, कुछ
कार्य कर रहा था, उसे पूछा, अरे क्या भैया यहाँ से रथ यात्रा निकल गई? तो कहता है नहीं निकली। बगल वाला कहने लगा, अरे झूठ क्यों बोलता है, अभी अभी तो यहाँ से यात्रा निकल गई। कि नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहा मैं। तो यात्रा निकल गई मुझे मालूम नहीं। मतलब वो व्यक्ति अपने कार्य करने में इतना मशगूल था कि हजारों लोग वहां से चले गए, उसका मन चित ऐसा उस कार्य में प्रवीण था कि उसको पता भी न चला कि वहां से यात्रा निकल गई। आए दिन हम देखते रहते हैं, रसोई बनती है और एक दिन दाल में नमक ज्यादा गिर जाए, दूसरे दिन गिर जाए, और फिर कहते हैं पतिदेव, क्यों भैया मन कहाँ है तेरा, तेरा ध्यान कहाँ है, तेरा मन कहाँ पे, कल नमक ज्यादा था आज कम है, मन कहाँ रहता है? तो मन नहीं होता तो कार्य हो नहीं पाता। इंद्रियां मन के बिना कार्य नहीं कर सकती, लेकिन मन इंद्रियों के बिना कार्य कर सकता है। ये 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और एकादश 11वां मन, उन 10 इंद्रियों का गवर्नर है, वो मुख्य है। और मन हमेशा रस की खोज में रहता है। तो भगवद कथा रस रूप है, इसलिए कहते भी सुनूं कथा सादर मन लाई, मन से सुनो। तो कुशलता के लिए 3 बातें, मन की एकाग्रता, हृदय की निर्मलता, और तीसरा अनुकूल मनन। तो ऐसे कथा रसास्वाद करने में कुशल शौनक जी ने सूत जी को देखकर उनका स्वागत किया और बड़े विनम्र भाव से शौनक आदि कह रहे हैं, अज्ञान ध्वान्त विद्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। हे सूत जी, आपका ज्ञान कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्यों के समान है। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है। अंधकार को दूर करने के लिए तो एक ही सूर्य पर्याप्त है। तो यहां पे यह रूपक उपमा दे रहे हैं कि सूत जी कैसे हैं, कोटि सूर्य समप्रभ। ऐसे सूत जी पधारे और कहा, हे सूत जी, कथाएं तो हमने बहुत सुनी, पर अब कथा सारम ममत्कर्ण रसायनम, हमें कथा का सार सुनाओ, रस युक्त। और कथा का सार वही है जिसमें भक्त और भगवान का चरित्र हो, भगवान भक्त के प्रेम के अधीन बन जाते हैं। तो प्रभु ऐसा कुछ चरित्र, ऐसी कथा का सार, जैसे श्री गोकुलनाथ जी रोज कथा करते, और एक दिन श्री महाप्रभु जी के सेवक गोसाई जी के सेवन की कथा, उनके चरित्र का वर्णन करना प्रारंभ किया, उसी में समय निकल गया, आज बड़ो आनंद आयो। और वो वैष्णव कहवे लगे, राज आज कथा नहीं करी, अरे आज तो तुमको कथा को फल दे दियो, आज तो उन भक्तों के चरित्र तुमको सुनाई दिए, अब कहां कथा बाकी रहेगी। तो भगवतियों के चरित्र फलात्मक हैं। तो ऐसी कुछ दिव्य कथा सुनाइए सूत जी, ममत्कर्ण रसायनम, कर्णयो रसस्य भगवत कृष्णस्य अयनम प्राप्तियेन तत्कर्ण रसायनम।
जिसके द्वारा दो कानों के अंदर से रस रूप भगवान श्री कृष्ण प्रवेश करें और हृदय मंडल में विराजें, उसे रसायन कहा जाता है। देखिए, रोगों की निवृत्ति के लिए जिसका सेवन करने में आए उसे औषधि कहा जाता है। रोग हो ही ना, उसके लिए जिस पदार्थ का सेवन करने में आए उसे रसायन कहा जाता है। तो परीक्षित जी के लिए यह श्रीमद् भागवत औषधि है, क्योंकि भयभीत हैं। शौनक आदि ऋषियों के लिए यह कथा रसायन है और गोपियों के लिए यह कथा अमृत है। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि भिरीणितम कल्म शापहम। कर्ण रसायनम, जिसको सुनने के बाद कुछ भी सुनना अच्छा न लगे, जिसको सुनने से सब कुछ सुन लिया ऐसा भाव प्रकट हो जाए, वह कर्ण रसायन कहा जाता है। और वो क्या है? भागवत भगवत कथा। तो सुनो तो ऐसा सुनो कि जिसको सुनने के बाद कोई सुनने की इच्छा न रहे। जानो तो उसे जानो कि जिसको जानने के बाद सब कुछ जान लिया ऐसा भाव प्रकट हो जाए। सूताख्यादि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, बड़े विनम्र भाव से ये शौनक आदि ऋषि विनती कर रहे हैं, हमें कथा का सार सुनाइए। हम बड़े लालायित हैं। जहां सूत जी ने उनकी जिज्ञासा देखी, सूत जी कहते हैं, मैं आपको वह कथा श्रवण कराता हूं जो कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, जो कथा परीक्षित ने श्रवण की, कृष्ण पद प्राप्त किया, जो कथा सुखदेव जी के मुखारविंद से द्रवित हुई है, वो दिव्य कथा मैं आपको सुनाता हूं। और जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे थे, उसी समय प्रारंभ में अमृत कुंभ लेकर के देवताएं गण आए और कहने लगे, हे सुखदेव जी महाराज, ये स्वर्ग का जो हम दिव्य अमृत लेकर आए हैं, तो यह अमृत आप परीक्षित जी को दीजिए और कथा अमृत का पान आप हमें कराओ। सुखदेव जी के पास आए, सुखदेव जी ने उनको टोका, क्वह सुधा क्वह कथा लोके क्वह कांच क्वह मणिर महान। अरे भाई, ये तू क्या बोल रहा है? क्वह कथा क्वह सुधा लोके, कहां भागवत कथा और कहां ये तुम्हारा स्वर्ग का अमृत, कहां दिव्य मणियां और कहां कांच के टुकड़े? थोड़ा तो विचार करो, किसके बदले में तुम क्या चीज लेने आए हो? देवताएं वहां पे आकर बैठ जाते कथा सुनने के लिए, तो उनको सुखदेव जी यूं नहीं कहते तुम जाओ यहां से, लेकिन देववृत्ति कैसी है, वो हमें मिले उसको ना मिले, मत्सरता उनके अंदर है, ईर्ष्या भाव है। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को पूछा, बताओ राजन, आप कौन सा अमृत पीना चाहेंगे, या कुंभ वाला या कथा कथारूपी अमृत? परीक्षित जी कहते हैं, महाराज मुझे आप दोनों के फल बताओ। सुखदेव जी ने कहा, राजन ये जो अमृत है देवगण लेके आए, उसको पीने से तुम अमर बन जाओगे,
मृत्यु नहीं होगी। और जो कथामृत मैं तुम्हें पिलाने जा रहा हूं, उस अमृत का पान करने से तुम अमर नहीं होगे, पर तुम अभय बन जाओगे। सब भय चले जाएंगे। बताओ तुम्हें कौन सा अमृत पीना है। ये कथा का अमृत पीने से, कथा पान करने से तुम्हारा दिव्य जीवन बनेगा और उससे तुम्हारा दीर्घ जीवन बनेगा। तो बताओ क्या चाहिए तुम्हें, दिव्य जीवन या दीर्घ जीवन? नहीं महाराज, मुझे जीवन लंबा नहीं चाहिए, दीर्घ जीवन नहीं चाहिए। जीवन में मैंने देख लिया नाना प्रकार के भय से मनुष्य दुखी होता है, तो मुझे ये दीर्घ जीवन नहीं चाहिए, पर मुझे दिव्य जीवन जीना है। मुझे तो आप कथा अमृत का ही पान कराइए। यह परीक्षित जी के वचन सुनकर देवगण नीचा मुंह करके वापस स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। सुखदेव जी ने कथा का प्रारंभ किया। तो यह श्रीमद्भागवत श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। ये वो कथा हम सुन रहे हैं वैष्णवों, जो देवताओं को भी नहीं मिलती। सुराणाम अपि दुर्लभा, वो भी इसके लिए लालायित रहते हैं। सूत जी ने कथा का प्रारंभ किया। वर्णन करते हुए सूत जी कहते, एक दिन की बात, विशालापुरी में सनत कुमार आदि ऋषिगण सत्संग करने के लिए वहां पे पधारे। वहां पे आकर देखा, नारद जी के दर्शन किए और नारद जी बड़ी चिंता में। सनत कुमार आए, सनत कुमार ने नारद जी को पूछा, अरे नारद जी ये हम क्या देख रहे हैं, आपके मुखमंडल पे प्रसन्नता नहीं है, आनंद नहीं है, किस बात का आपको दुख है, खेद है, ये बताओ। और फिर नारद जी अपनी चिंता का कारण सनत कुमारों को कहते हैं। नारद जी कहते हैं, हे सनत कुमारों, मैं सर्वोत्तम भूमि जानकर यह भारत के यात्रा करने के लिए आया। अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंग सेतु बंधनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। नारद जी कहते हैं, अहम तुम पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, यह पृथ्वी भारत मंडल पर सर्वोत्तम भूमि जानकर मैं इसकी यात्रा करने के लिए आया। और यात्रा करते हुए पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी जैसे तीर्थों में मैंने भ्रमण किया। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, इन सब तीर्थों में मैंने भ्रमण किया। लेकिन हे ऋषिवर, इन तीर्थों में मैंने क्या देखा? सत्यम नास्ति तपः शोचम दयादानम न विद्यते उदरम भारिणो जीव वशकाकूट भाषिणः। हे कुमारों, मैंने ये पृथ्वी पे क्या देखा? सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है, सत्य का अभाव होने लगा,
लोग झूठ बोलने लगे। तपः शोचम, तप धैर्य नहीं रहा जीव के अंदर, सहनशीलता नष्ट हो गई है, दया भावना जीव के अंदर नहीं है। दया दानम न विद्यते, लोग दान जिस भाव से करना चाहिए, आज लोग दान भी करते हैं तो अहंकार के भाव से आकर करते हैं, मैंने किया, अपने ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए दान आदि करते हैं लोग, अपनी प्रतिष्ठा की वृद्धि के लिए दान आदि करते हैं। आज कई लोग सेवा आदि भी करते हैं तो ये भाव से, जो जानते नहीं है सेवा के स्वरूप को, फिर वह जीव यही भाव से कि हाँ भाई ये सब मेरे दुख दूर हो जाएं, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, मन ही मन प्रभु को विनती करते हैं कई लोग कि प्रभु ये थोड़ी सी कठिनाइयों को दूर कर दें, बेटे की शादी करवा दे, कहीं इसकी अच्छी जॉब लग जाए, ये लग जाए, वो ऐसी लौकिक बात ही किया करते हैं। जो सेवा फल रूप है वो मिलने के बाद भी सेवा करने के बाद और कुछ अन्य फल की अपेक्षा रखते हैं, दान करते हैं, विनियोग कराते हैं, अहम भाव से करते हैं, ये मैंने किया। दान सेवा आदि के लिए विनम्र भाव होना चाहिए, दैन्य भाव होना चाहिए वैष्णव। सेवा करते समय या